एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में डीसी पैरेलल है एबी के, एबी इक्वल टू 16, डीसी इक्वल टू 11.2। विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऐसा बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, इस टाइप का होता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसमें है वो डीसी छोटा है ना, तो नीचे वाले को बड़ी लेते हैं, ए बी सी और ए डी, ठीक है। ये दे रखा है मुझे 16, ये दे रखा है मुझे 11.2, और मुझे बोला है कि विकर्णों के मध्य बिंदु को, ये विकर्ण है इसका और एक विकर्ण इसका, ये हो गया, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट को जोड़ने वाली, ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, और ये इनको जोड़ने वाली, ये एम एन हो गई, ठीक है। तो एम एन की लेंथ निकालनी है, तो एम एन की लेंथ का सीधा फॉर्मूला होता है, आप याद कर लो, एम एन इक्वल टू होता है ए बी माइनस सी डी बाय टू, ये फॉर्मूला होता है सीधा, ठीक है। इसकी लेंथ में से इसकी लेंथ घटा के 2 का भाग दे दो, तो 16 माइनस 11.2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 12 4 16, 4.8 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा मेरा 2.4, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर मुझे डी में दे रखा है, ठीक है, 2.4।